तो दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू चल। तो ये इंट्रोडक्शन में स्कूटी पे बना रहा हूँ। एक्चुअली हम डल कॉलोनी रखकर जा रहे हैं, वहाँ पे गोडो का ऑक्शन चल रहा है। मैं अभी कज़न के साथ स्कूटी पे हूँ, तो हम वहीं पे जाएंगे। गोडो का ऑक्शन होगा तो हम वहीं देखेंगे। और आप बने रहे, हम ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, हम छोटा ही रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आप बने रहे, हम चलते स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गोड़ का ऑक्शन होगा, तो हम भी देखेंगे कौन कौन से घोड़े। तो फिर हम विदाउट वेस्टिंग टाइम तो हम चलते हैं, हम देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो विदाउट वेस्ट टाइम चलते हैं। यहाँ पहला घोड़ा, तो लेट्स गो। तो यहाँ पे ये अभी रेस होने वाली है घोड़ों की। तो ये डल कॉलोनी रखा रथ में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे घोड़े। मैं भी बस सडन आ गया यहाँ पे। वाओ, ये है सबसे ज़बरदस्त वाला घोड़ा। वाह, अभी भी रेस होने वाली है, तो आई डोंट नो कि मैं यहाँ पे रुक पाऊँ या नहीं। इसका नाम एडम है। यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि अब ये रेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं। तो इनके अलग अलग फार्म के घोड़े हैं, तो अभी यहाँ पे रेस स्टार्ट होगी। हाँ, मैंने इतने अच्छे घोड़े कभी नहीं देखे, मज़ा आ रहा है इनको देख के। आई जस्ट वाना स्टे हेयर, बट मेरे को थोड़ा घर पे काम है, सो आई डोंट नो मैं कब तक यहाँ पे रुकूंगा। जब तक रुकूंगा तो मैं आपको ये थोड़ा सा ये दिखाऊंगा, ये रेस वगैरह, ये शॉट्स। तो हम एक एक करके इन सब घोड़ों को देखेंगे अभी। एडम ये मान के ना, बाकियन बॉस कुमर यार, इन 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 सब गोड़ों के अलग अलग नाम है। इसका नाम एडम, गोड़े का नाम एडम है। कुछ नाम आया रॉकी भाई। इसका नाम क्या है? सुल्तान। इसका नाम क्या है? रोमन। इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम क्या है? ओके यार, आप देख लीजिए कितने सारे घोड़े। लिटरली आई एम इन लव विद दीज हॉर्सेस। वैसे मैं तो इनका बड़ा फैन नहीं था, बट आई फील लाइक वाओ। यार आप देख लीजिए यहाँ पे कितने आए देखने के लिए। मैं भी आ गया। ये रेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आई एम गोना वेट। आमिर साहब ने इसको मैनेज किया है। तीसरा ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड फॉरम। ओके, मुझे तो पर्सनली ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाइट वाला। और एक ब्लैक वाला था वो वहां पे है उस साइड से। तो अब हम थोड़ा आगे देखेंगे। मैंने ऑलरेडी आधे से ज्यादा घोड़े देख लिए, तो अब इन आधों को देखना है। वैसे अभी नमाज का टाइम हो रहा है, आई वॉन्ट जस्ट दिस जल्दी हो जाए ए साहब। ये ब्लैक, ये इसके अच्छा है, तो ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है। और ये मुझे तो लेकिन पर्सनली वो ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है। ये ब्लैक वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसका कलर लाइक फुली डार्क है, डार्क ब्लैक। तो वाह, देख लीजिए अरीना कितना बड़ा है। ये वाला तेज है, लिटरली मैंने कभी नहीं देखी है ये हॉर्स रेस। वहां से देखते हैं वो घोड़ा क्या कर रहा है वहां पे। ये गुमत आउट ऑफ कंट्रोल, बेकाबू हो रहा है। अरे जल्दी से स्टार्ट करो, यहाँ टाइम नहीं है हमारे पास। वो भाग रहा है वो घोड़ा। माजिद क्यों कराया? तो घर क्यों चुन को? तो मेरा कजन है यहाँ पे, तो ये भी देख रहा है। खाल के हैं। तो यहाँ पे अब किसी घोड़े को बुला रहे हैं जिसका नाम कैस्पर है। तो अब हम देखेंगे, ये है कैस्पर जो आ गए, मिस्टर कैस्पर। तो अब आगे देखें इनकी झलक। तो ये आया पहला घोड़ा कैस्पर। इनकी अदाए ये क्या करेंगे? नहीं, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तो अब हम देखेंगे ये क्या करेंगे। देखो
और इसकी आप बॉडी ठीक है, हर किसी एंगल से ये घोड़ा जो है परफेक्ट होता है। मेरा फेमिलियर हूँ जिस घोड़े से वो ये है एडम, क्योंकि मैं इसको डेली देखता हूँ, इसको चराने के लिए हमारे वही नज़दीक में एक पार्क है वही चराने लेके जाते हैं, तो ये एडम है। बस मैं यहाँ पे खाली इसी को घोड़े को जानता हूँ, इवन मुझे नाम नहीं पता था अभी तक, तो अब मुझे पता चला इसका नाम एडम है। तो वहाँ से कोई और घोड़ा आ रहा है तो देखते हैं, वो भी वाइट कलर का है, तो ये एडम है। नहीं मैं ये लास्ट कड़िया, तो यही घोड़ा है जिसके साथ मैं ज़्यादा फेमिलियर हूँ, ये इनको हमारे जोहर बाया, यही इनके केयर टेकर है। तो अब हम इनका भी ऑक्शन देखेंगे, शायद यहाँ पे ऑक्शन नहीं चल रहा है, लाइक लिटरली मुझे लगा कोई रेस होगी मज़ा आएगा, बट यहाँ पे खाली देखेंगे और ऑक्शन होगा, तो दैट्स इट। ब्लैक वाला, इसका नाम पता नहीं मुझे, नहीं वाओ, लाइक लिटरली गब्बर, स्टैलियन गब्बर, ओ माय, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हॉर्सेस करंटली स्टैंडिंग इन कश्मीर, दिस इज द ओनली पर्टिकुलर हॉर्स दैट हैज पार्टिसिपेटेड इन पंजाब एंड गॉट द पोजीशन, यू नो इट्स गब्बर, शोले का गब्बर है, मुझे वो शोले वाले गब्बर याद आ गए, गब्बर को देख के। ये बहुत अच्छी सी मूवमेंट करता है, वाह, वो मैं इनसे पूछता हूँ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बादल, ये फिल्म वाला बादल है, थैंक यू। है ये बादल है, ये वाला घोड़ा बादल, लाइक सबके नाम मूवीज रिलेटेड है मेजॉरिटी ऑफ हॉर्सेस, तो लेकिन बादल की अदाई बहुत अच्छी है, लाइक कम ऑन की मूवमेंट जो टांगों की है ज़बरदस्त है। यहाँ पे और एक आ, ये बहुत तेज़ लगा मुझे, क्योंकि देख लीजिए इसके इसके सिर से कितनी रस्सियाँ इन्होंने बांध के रखी है, तो आई नीड टू बी केयरफुल, मुझे नहीं पता क्या बोला, बट तो फाइनली पता नहीं ये कब तक चलेगा, और मुझे अब लेट ही हो रहा है, तो आई थिंक आई शुड मूव, अब मुझे जाना ही होगा, तो फिर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा इनकी एक और झलक जो यहाँ पे है, तो दैट्स इट, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो अब यहाँ पे इन सब घोड़ों की ऑक्शन होगा, इन सब की लाइक वट एवर इनकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, तो फिर हम ये होगा, तो दैट्स इट। और मुझे अभी घर पे काम है, तो टाइम बहुत कम है, तो हम अभी चलते हैं। ये पंजाब वाला घोड़ा है, कब्बर, देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आई कांट स्टे हियर, आई हैव टू गो बैक, तो करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। और अगर आपको वीडियो इमरजेंसी वाला वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।